वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी, सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए, टेक लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले काम क्या है आपको कि आप देख लें कि रो या कॉलम से कोई कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है हमारा एक, अगर इसको हम कॉमन लेते हैं तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन इतना आसान नहीं बन रही प्रॉब्लम, वैसे क्वेश्चन हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा कि हमारे एलिमेंट 1-1 है क्या किसी रो या कॉलम के, तो हम 2-0 बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं कि हमारा कि ऑपरेशंस प्रॉपर्टी जो हमारी लास्ट 6 है, ठीक है, कॉलम C1 C2 प्लस C3 R1 प्लस R2 प्लस R3 रोज या कॉलम्स को ऑपरेट करके देख लें हम या किसी रो या कॉलम के हमारे एलिमेंट सेम बन रहे हैं। अगर सेम बन रहे हैं तो हम उसको कॉमन ले लेंगे तो 1-1 बन जाएंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम्स इस टाइप की। या देखें कहीं पे 0 बन रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट है 0 लाना, अगर 0 बन जाए तो हम फिर उसको एक्सपेंड कर लेंगे तो आसान बन जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो C2 माइनस C1 करें, कोई भी हमारा 0 नहीं बन रहा। देखो इसके सामने इसका एलिमेंट देखो अलग अलग है ना, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे। देखें, एक तो जैसे मैंने बताया आप कॉमन ले सकते हैं, उससे भी आ सकता है आपका रो से कॉमन ले लें या कॉलम से कॉमन ले लें, तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। देखो हम दूसरे तरीके से करेंगे, R1 गोज टू AR1, BR2, R3 goes to CR3, यानी कि R1 को मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाइंग R1, R2 एंड 3 by A, B एंड C respectively। R1 को A से मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा है, ध्यान से देखें इधर, एक स्टेप के बाद आपको पता लगेगा। A, A square plus 1, A square B, A square C, A B square, B, B square plus 1, बी स्क्वायर सी, सी से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दें, हमने मल्टीप्लाई किया है आपको प्रॉपर्टी 4 याद होगी, प्रॉपर्टी 4 ही थी वो, ठीक है। अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, जो नया डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू के टाइम्स बन जाती है, के टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल स्टार्टिंग का डिटरमिनेंट है, हमने एबीसी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, जो नया डिटरमिनेंट है, इस वाले डिटरमिनेंट से कितनी हो जाएगी, एबीसी टाइम्स हो गई, एबीसी टाइम्स बढ़ गई। तो इसका मतलब पुराने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, इस डिटरमिनेंट का 1/ABC टाइम्स हो गया, ठीक है। क्योंकि तो आपने किया था, अगर हम किसी भी रो को या कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो पुराने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू है नए वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कितनी हो जाती है, 1/K टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इस नए डिटरमिनेंट का कितना हो गया, 1/ABC। क्या ये कह सकते हैं आप, जिससे ही मल्टीप्लाई किया है उतने से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, हम कॉमन ले रहे हैं, किसको कॉमन ले रहे हैं, ए बी सी को। देखो ए को हमने यहां से कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर हम रो वाइज ऐसे ऐड करेंगे तो देखो राइट हैंड साइड में वही हमारा राइट हैंड साइड आई हुई है, तो ये बेनिफिट इसलिए हमने एबीसी से हमने मल्टीप्लाई किया। तो एबीसी हमने कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से बी कॉमन ले रहे हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहां पे सी कॉमन लिया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया।
अब हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का देखें इधर, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ऐसे ऐड होंगे तो क्या बनेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही आना ना राइट हैंड साइड में, तो आर वन के हमारे सारे एलिमेंट सेम आ जाएंगे। या आप दूसरा ऑपरेशन क्या यूज कर सकते, देखो इसके सामने सेम है ना, सी टू माइनस सी वन जीरो बन गया एक, सी थ्री माइनस सी वन, सी थ्री माइनस सी वन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दो जीरो बन जाएंगे, एक्सपेंड कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी, दोनों ऑपरेशन में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। हम ये यूज कर रहे हैं आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो हमारे क्या बने, ए स्क्वायर प्लस वन ही हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर, ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, और ये हमारे एलिमेंट है, डिवीज रहे बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। देख आर वन के हमारे एलिमेंट सेम आ गए ना, तो हम इनको क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम आर वन, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, वन 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 बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। समझ आ गया भाई यहां तक, कोई दिक्कत है? ध्यान से देखें इधर, अब देखो आर वन के एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए, वन वन आ गए, तो हम दो जीरो बना सकते हैं। अगर रो के एलिमेंट्स वन वन है तो कॉलम के एलिमेंट्स तो हम क्या बना लेंगे, सी टू माइनस सी वन, कॉलम के ऑपरेशन ये यूज करेंगे, सी टू गॉज टू सी टू माइनस सी वन, यानी कि किसी भी एक कॉलम को बाकी के कॉलम में से माइनस कर दो, तो इसमें से ये जाएगा तो यहां पे जीरो बन गया, इसमें से ये जाएगा ये जीरो बन गया, दो अगर तीन वन वन है तो आप दो जीरो बना सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पे क्या हुआ वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो, अब इसमें से ये जाएगा तो क्या बचा वन, ये आ गया जीरो, इसमें से ये जाएगा माइनस जीरो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो सी स्क्वायर प्लस वन में से सी स्क्वायर जाएगा तो वन। अब एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग आर वन, वन वन जीरो जीरो वन प्लस जीरो प्लस जीरो, दिस इज वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन माइनस जीरो तो क्या आ गया वन ही आ गया ना, वन माइनस जीरो, दिस इज वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है। ध्यान दें, हमने आपको स्टेप याद कह सकते हैं आप, रो से हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने जब लेफ्ट हैंड साइड ली थी आर वन आर टू आर थ्री, ए बी सी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉलम से हमने क्या लिया कॉमन, बस ये स्टेप लर्न करने आपने, और अदरवाइज आप कॉलम से मल्टीप्लाई करते, सी वन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सी टू को बी से, सी थ्री को सी से, तो रो से कॉमन ले लेंगे, समझ आया, अगर रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन कॉलम से ले लेंगे ए बी सी, अगर कॉलम से सी वन सी टू सी थ्री को ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो से हम कॉमन ले लेंगे, आर वन से ए ले लेंगे, आर टू से बी ले लेंगे, आर थ्री से हम सी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट डिटरमिनेंट बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, हमने ये शो करना है। देखें एक लेफ्ट हैंड साइड, अब आपको इस लेफ्ट हैंड साइड में ना तो ऐसा कुछ सांस दिखाई दे रहा, ना तो वन वन एलिमेंट है, ना ही हम कोई कॉलम या रो को ऐड करके एलिमेंट सेम आ जाए, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपकी मर्जी आप कैसे भी ऑपरेशन यूज करें, लेकिन एक दो ऑपरेशन यूज होके आपको लगे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई, आप एक्सपेंड कर दें, जरूरी नहीं है मैं जो ऑपरेशन फॉलो करता हूं आप वही करें,
कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें कि वही ऑपरेशन यूज होंगे, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी ऑपरेशन यूज करें, ठीक है। देखें इधर हमारा कोई भी जियो नहीं बन रहा, इसमें इसको इसको ऐड करते हैं तो हमारा इसमें इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, यानी कि तीनों ऐड होंगे ऐसे, तो इसका मतलब 2B प्लस 2A प्लस 2C हो गया, तो 2 कॉमन आ जाएगा ना। तो ये हमारा आइडिया है R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें इसको इसको ऐड किया तो 2A 2 बन गए सारे, 2A प्लस B प्लस C। अब इसमें इसको इसको ऐसे ऐड होगा तो 2P, तो क्या हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस R, ये हो गया 2X प्लस Y प्लस Z, और बाकी हमारा क्या रहेगा, ये सेम रहेगा R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ठीक है। टेकिंग 2 कॉमन, 2 तो हम कॉमन लेते, देखो आया हुआ ना 2 राइट हैंड साइड में, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, R1 से हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आ गया हमारे पास, तो 2A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब ध्यान दें भाई, अब आप जरूरी नहीं है जो मैं ऑपरेशन फॉलो करता हूं आप वही करें, बस आपको जीरो देखना है कहां पे, मतलब जीरो कहां पे बन रहा है या इसके अकॉर्डिंग ए बी सी। अब ध्यान दें, इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो बी बच जाएगा, बी हमारा बी आया हुआ है लाइन में, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, आर और पी फिनिश हो जाएंगे तो क्या बचेगा, क्यू बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करें तो हमारा जेड और एक्स फिनिश हो जाएगा, वाई बच जाएगा, बचा ना बी क्यू वाई, ठीक है। अब या आपके पास दो ऑप्शन है, ये भी ऑपरेशन फॉलो कर सकते हैं, या आर टू माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर वन, ध्यान से देखें ये ऑपरेशन हमने पहले बोलो किए हुए, इसमें से इसको जाएगा सी और ए माइनस हो जाएगा तो बी बच जाएगा, आर प्लस पी इसमें से जाएगा तो क्यू बच जाएगा, एक्स प्लस जेड में से जाएगा तो क्या बच जाएगा, वाई बच जाएगा, आया हुआ है बी क्यू वाई। थर्ड में आ जाओ, ए प्लस बी, अगर ए बी सी इसमें से जाएगा तो सी बच जाएगा, आया हुआ है ना सी, और पी प्लस क्यू में से आर वन जाएगा तो क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा, तो हमारा ये तो एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखें, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखें इसमें से इसको माइनस, सी प्लस ए आर टू है और ऊपर वाली को माइनस किया तो ए और सी तो खत्म हो जाएंगे ना, क्या बचेगा बी, और किसका बचेगा, माइनस का, ठीक है। सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी हो गया, सी भी गया ए भी गया तो क्या बचा, माइनस का बी। अब इसमें से ये माइनस जाएगा, आर और पी गए तो क्या बचा, क्यू, जेड और एक्स में से जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाई, इसमें से जाएगा ए प्लस बी में से ऊपर वाला जाएगा तो क्या बचा, माइनस सी, पी प्लस क्यू में से जाएगा तो माइनस आर, और इसमें से ऊपर वाला जाएगा तो माइनस जेड। आप देख भी सकते हैं सी आर जेड बी क्यू वाई आया हुआ है ना। अब माइनस तो इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, आर टू और आर थ्री में से, बाद में भी ले सकते हैं। ये देखें ए पी एक्स ए, अगर मैं इसमें इसको और इसको जोड़ दूं, बी और सी फिनिश हो जाएंगे, यानी कि आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखो ए प्लस बी प्लस सी में ये ऐड होगा और ये ऐड होगा तो सी और कट गए ना, तो क्या बचा, ए बचा, इसमें ये और ये ऐड होंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ए बचेगा ना, तो दिस इज इक्वल टू टू, क्या बचा, ये ऐड हो गया तो ए बचा, Q और R इसमें ऐड हो गया तो क्या बचा, P बचा, Y और Z ऐड हो गया तो क्या बचा, X, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब माइनस वन कॉमन ले लेंगे हम, समझ आ रहे हो भाई, ठीक है। R1 में इन दोनों को ऐड किया, इसमें इसको इसको ऐड किया तो ये बचा,
इसमें इसको इसको ऐड किया तो क्यू और आर फिनिश हो गए, पी बचा, और इसमें इसको इसको ऐड किया तो वाई माइनस वाई के साथ करेंगे कट जाएगा, जेड कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा ना। ठीक है, टेकिंग कॉमन माइनस वन फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री, तो टू माइनस वन का स्क्वेयर, ए बी सी, ये पी एक्स माइनस लिया तो क्यू वाई आर और जेड। ठीक है, अब ध्यान दें माइनस वन का स्क्वेयर क्या होता है, वन ही होता है ना, दिस इज इक्वल टू टू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, कौन सी साइड है ये, राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है भाई, रिवीजन करेंगे जितनी उतना ही आपको लर्न हो जाएगा, ध्यान भी आ जाएगा, अब हमें इस तरीके से स्टेप्स हैं, बस एक दो स्टेप्स आपको लर्न करने की दिक्कत है, अदरवाइज आपको पता लग जाएगा कहां से आगे कैसे चलना है, नो प्रॉब्लम।